आप देख रहे हैं KSN 24 न्यूज, पल पल की खबर। जांजगीर जिले के सारा गांव पुलिस ने चोरी के मामले में खुलासा करते हुए 20,000 नकदी सहित 1.5 लाख के जेवरों को बरामद किया है। वहीं आरोपी उमेंद्र शंकर यादव को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। जांजगीर जिले के सारा गांव थाना क्षेत्र के सरवानी गांव में भोले शंकर साहू के घर में अज्ञात लोगों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। इस मामले की रिपोर्ट प्रार्थी द्वारा दर्ज कराई गई, जिस पर पुलिस ने संज्ञान लेते हुए जांच पड़ताल शुरू की। इसी दौरान पुलिस को उमेंद्र शंकर यादव पर शक हुआ। पुलिस ने युवक से कड़ाई से पूछताछ की, जिस पर उमेंद्र शंकर ने चोरी की घटना को अंजाम देना स्वीकार कर लिया। वहीं पुलिस के द्वारा चोरी किए गए माल को भी बरामद कर लिया गया। SDOP जांजगीर दिनेश्वरी ने बताया कि युवक को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। ये प्रार्थी भोले शंकर साहू है, जो ग्राम सरवानी के रहने वाला है। इसने 11 जुलाई को रिपोर्ट लिखाई थी थाने में आकर कि इनके घर का ताला तोड़कर 10 और 11 जुलाई की दरमियानी रात को घर का ताला तोड़कर किसी अज्ञात चोर के द्वारा घर में रखे गहने जेवरात और पैसों की चोरी कर ली गई है। इस पर से थाना सारा गांव में अपराध पंजीबद्ध किया गया था और जाकर के घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। और घटनास्थल का जब बारीकी से निरीक्षण किया गया तो यह बात सामने आई कि जिस भी व्यक्ति ने चोरी किया है उसमें कहीं ना कहीं उस घर के संबंध में जानकारी रखने वालों का भी हाथ हो सकता है। इसी संबंध में आसपास के लोगों के संबंध में पता किया गया और चोरी करने वाले व्यक्तियों के संबंध में तब शंका हुई कि जो उमेंद्र यादव है प्रार्थी के पड़ोस में ही रहता है और उसके घर पूर्व में नौकरी करता था, जिसे पैसों की आवश्यकता भी थी। उसने ट्रैक्टर भी लोन में लिया हुआ था। इस संबंध में उसे पैसों की आवश्यकता होने के संबंध में जानकारी मिली थी गांव से। तो इस बिंदु को ध्यान में रख के हमने आगे की जांच बढ़ाई और उसे बुलाकर मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की, जिस पर से आरोपी ने अपना जुर्म करना स्वीकार करते हुए चोरी का माल मशरू का बरामद कराया। इस पर से उसकी गिरफ्तारी की गई। और KSN 24 न्यूज़ के लिए बारा द्वार जांजगीर चांपा से राम नगार जी की रिपोर्ट।